कौन है ललन सिंह जी? हैं कौन है? हमेशा इससे ही लोग लड़ने वाला है। अरे क्या बात करता है, हमारा एक साधारण कार्यकर्ता ललन सिंह को जमा जब्त कराएगा इस बार। ओ भय परेशान ये हो रहे हैं लोग, रात में सपना देख रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, इनका जो खौफ है ना वो इनके मन से नहीं जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम लखीसराय में चल रहा है। बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद। उनका स्वागत पटना एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से हुआ। सम्राट चौधरी से लेकर कई सांसद उनके स्वागत समारोह के लिए मौजूद थे, और उस बीच सांसद रामकृपाल यादव भी अमित शाह के स्वागत समारोह में मौजूद थे। और वहीं जब अमित शाह रवाना हुए तो सांसद रामकृपाल यादव ने बाहर निकलते वक्त ललन सिंह पर, नीतीश कुमार पर और विपक्षी एकता की बैठक को लेकर कई बड़े बयान दे दिए। क्योंकि जेडीयू के कई नेताओं की तरफ से ये बयानबाजियां की जा रही हैं कि ललन सिंह के घर में अमित शाह जा रहे हैं, तो क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? है हिम्मत चुनाव लड़ने की? क्या हरा सकते हैं जेडीयू को, आरजेडी को, महागठबंधन की सरकार को? तो उस पर साफ तौर से सांसद रामकृपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। रामकृपाल यादव ने साफ साफ कहा है और ये तक पूछ डाला है कि ललन सिंह है कौन, बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी ललन सिंह को हरा सकता है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं रामकृपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं। कौन है ललन सिंह जी? हैं कौन है? क्या बात करते हैं, हमारा साधन अमित शाह, अमित शाह जिससे ही लोग लड़ने वाला है। अरे क्या बात करता है, हमारा एक साधारण कार्यकर्ता ललन सिंह को जमा जब्त कराएगा इस बार। भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता ललन सिंह को मात देने की क्षमता रखता है और अमित शाह की बात बोलता है? आने दीजिए, हमारा साधारण कार्यकर्ता हराएगा, जमानत जब्त कराएगा। खौफ भय परेशान ये हो रहे हैं लोग, रात में सपना देख रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, इनका जो खौफ है ना वो इनके मन से नहीं जा रहा है। ये प्यार जनता ने दिया है, मजबूती दिया है, ताकत दिया है, क्योंकि 9 साल में मोदी जी ने अपने नेतृत्व में जो काम किया है देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो लोग जो आज तक बहुत पीछे थे उनको लाने के लिए अपनी योजना कार्यक्रमों के माध्यम से, तो ये लोग को बहुत परेशानी हो रही है। ये जो विपक्ष में लोग बैठा हुआ है उनको जरा बारीकी से देखिए ना, न इनका नीति है न सिद्धांत, कंट्राडिक्शन है। अभी आपने देखा बंगाल में किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ममता बनर्जी जी पर हमला बोला, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने हमला, केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं? ये इनर कंट्राडिक्शन इतना अधिक है, कहाँ एक छत के नीचे आने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं। महागठबंधन के नेता बोल रहे हैं कि अमित शाह डर गए हैं, इसीलिए विपक्षी एकता के बैठक के बाद बिहार दौरे पे आए हैं। कौन? अरे हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, अमित शाह जी पहली बार थोड़े आए हैं, तो लगातार आते रहे, आते रहेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है? दिक्कत इन लोगों को है, परेशानी है। ये जो चोरों का गठबंधन, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, ये कौन लोग हैं? ये सब परिवार को बचाने वाले, परिवार को बढ़ाने वाले और देश को लूटने वाले लोग हैं। यही लुटेरों को मोदी जी ने 9 साल में ताला लगाने का काम किया है, गरीब के खजाने का पैसे को रोक लगाने का काम किया है, इसलिए लोग परेशान हैं और सब लोग जेल में जाने वाले हैं, एक एक करके कोई नहीं बचने वाला है। कानून अपना काम करेगी और सख्ती से करेगी, देश के लुटेरों को अब बर्दाश्त नहीं करेगी देश की जनता, और इन सबको जो लूटे हैं देश की जनता की कमाई को, उनको जेल में जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो आपने सुना, साफ तौर से ललन सिंह पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है और साफ साफ उन्होंने ये पूछा है कि आखिर ललन सिंह कौन है, बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी उनको हरा सकता है। क्योंकि ललन सिंह का वो संसदीय क्षेत्र है और जिसको लेकर जेडीयू आरजेडी के नेताओं की तरफ से बयानबाजियां की जा रही थी। खास तौर पर जेडीयू के लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे थे और अब साफ तौर से रामकृपाल यादव ने जोर जोर से कह दिया है। बड़ा लिस्ट कमेंट बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।